इफ फंक्शन कैसे लगाते हैं, सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे और इफ लिखेंगे, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है तो लॉजिकल टेस्ट में कंडीशन लगाएंगे। इसमें हमें चेक करना है कि 180 जो है वो 200 से स्मॉलर है कि लार्जर है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, 180 किस में है, E2 सेल में, तो यहाँ पे E2 लिखेंगे, ठीक है। E2 इज लेस देन 200, अगर E2 की वैल्यू 200 से कम होगी देन क्या प्रिंट होगा हमारा, स्मॉलर, ठीक है। अगर नहीं हुई, कंडीशन फॉल्स हुई, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, लार्जर, ठीक है। इनको लिखेंगे इनवर्टेड कॉमास के अंदर और इसके बाद हम प्रेस करेंगे एंटर। तो देखो 200 से कम थी वैल्यू, 180-200 से कम थे, तो आउटपुट में क्या आ गया, स्मॉलर, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, तो ट्रू वाला ब्लॉक वाले जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हुई, देखो स्मॉलर प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर ग्रेटर होती, ठीक है, यहाँ पे मान लो 280 होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना मैंने वैल्यू कर दी है, 280, तो 280 क्या है, 280 200 से ग्रेटर है, मीन्स ये कंडीशन क्या हो रही है, E2 की वैल्यू क्या होगी, अब 200 से ग्रेटर होगी, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स होगी, अगर फॉल्स होगी तो हमारी क्या आउटपुट आएगी फिर, लार्जर, ओके। अब नेक्स्ट देखो टोटल कैसे किया जाता है, ठीक है। टोटल करने के लिए, ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, सम फंक्शन यूज होता है, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। सम फंक्शन करने के लिए 280 कौन से वाले ब्लॉक में है, सॉरी कॉलम में है, सेल में है, आपका E2 में, तो यहाँ पे देखो कॉलम का नाम लिखते हैं पहले, फिर रो का नाम लिखते हैं, तो 280 E2 में है, ठीक है। तो यहाँ पे E2 मैंने लिख दिया, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू साइन, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले लगता है इक्वल टू साइन, ओके। अब देखो जब आपने इक्वल टू साइन लगाया तो इसने सेल को कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट सेल की वैल्यू लिखेंगे, तो लास्ट 30 कौन से वाले सेल में है, E6 में, ठीक है। तो यहाँ पे E6 लिख देंगे, E6, और यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, उसके बाद कर देंगे एंटर, ठीक है। तो आपका देखो टोटल आ गया है सम फंक्शन का यूज करके, ठीक है। अब वैसे तो हमने रेंज ऑफ सेल लगा के आपने टोटल निकाला, ठीक है। अब आप सिंगल सिंगल सेल की भी का भी टोटल निकाल सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना होता है, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेल, सिंगल सिंगल का निकालना है तो सभी सेल का नेम लिख दो, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फर्स्ट 280 कौन से वाले सेल में है, E2, यहाँ पे लिख दो E2, फिर उसके बाद कौन सा साइन आएगा, प्लस 30 कौन से वाले सेल पे हैं, E3 में, ठीक है, उसके बाद प्लस नेक्स्ट 60 कौन से में हैं, E4 में, ठीक है, उसके बाद फिर से प्लस, ठीक है, नेक्स्ट कौन से में हैं, E5, और लास्ट वैल्यू किस में है, प्लस E6 में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सिंगल सिंगल कॉलम का, सॉरी सेल का नेम लिख के भी हम टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एवरेज फंक्शन कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए लिखेंगे एवरेज, फंक्शन का नेम लिखेंगे एवरेज, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे रेंज ऑफ सेल, तो फर्स्ट 280 कौन से वाले सेल पे हैं, E2 लिख दिया, और यहाँ पे कॉलम, और लास्ट सेल, रेंज ऑफ सेल में होता भी क्या है, फर्स्ट सेल और लास्ट सेल की वैल्यू लिखते हैं, तो लास्ट सेल में 30 कौन से वाले सेल पे हैं, E6 में, ठीक है। अभी देखो हमारे कोई भी सेल सिलेक्ट नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं लगा है, इक्वल टू का साइन, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो ये सेल जो है पूरे के पूरे सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब जब हम एंटर करेंगे तो देखो एवरेज अमाउंट वाले कॉलम की एवरेज कितनी आ गई है, 92। अब एवरेज को आप सिंगल सिंगल सेल की वैल्यू लिख के भी निकाल सकते हैं, एवरेज कैसे निकाली जाती है,
जितनी वैल्यू होती हैं उनको हम प्लस करते हैं और जितने टोटल नंबर ऑफ जितनी वैल्यूज होती हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इनको प्लस करेंगे। इन सभी जिन जिन में वैल्यू हैं उन सभी सेल्स का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी सेल्स की नेम लिख दिया है। अब टोटल कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। ठीक है, और जो भी हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं वो कहाँ पे आ रहा है, फॉर्मूला बार में, जहाँ पे एफ एक्स लिखा होता है वो क्या होती है, फॉर्मूला बार। ठीक है, अब इसके बाद हम कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज आपने फाइंड कर लिया। तो सिंगल सिंगल वैल्यू सेल के लिख के भी हमने फाइंड कर लिया और एवरेज फंक्शन लगा के भी हम एवरेज को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है मिनिमम फंक्शन। तो मिनिमम फंक्शन का मैंने क्या बताया था, क्या काम होता है इसका, ये रिटर्न करता है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। जितनी भी वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज ली गई हैं यहाँ पे, यहाँ से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करेगा। तो इसके लिए हम लगाएंगे मिनिमम फंक्शन, यानी कि मिन लिखेंगे। उससे पहले लगाएंगे इक्वल टू का सिंबल, सॉरी साइन, और यहाँ पे फर्स्ट तो लास्ट सेल की वैल्यू लिखेंगे। तो फर्स्ट सेल की वैल्यू किस में है, ई टू, और लास्ट उसके बाद लगाएंगे कॉलन, और लास्ट सेल किस में है, लास्ट सेल की वैल्यू E6 में, E6 लगा दिया। उसके बाद हम एंटर कर देंगे। देखो सेट ऑफ वैल्यूज में से इसने क्या किया, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि 30 थी तो वो उसने फाइंड कर ली। ठीक है, तो कौन से फंक्शन का यूज़ किया हमने, मीन फंक्शन का। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज मैक्सिमम फंक्शन। तो मैक्सिमम फंक्शन क्या करेगा, जितनी भी सेट ऑफ वैल्यूज हैं इनमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको फाइंड करेगा। ठीक है, सबसे पहले लगाएंगे हम इक्वल टू का साइन, फंक्शन कौन सा लगाएंगे, मैक्स फंक्शन, मैक्स फंक्शन लगाएंगे, और उसके बाद फर्स्ट सेल की वैल्यू E2, उसके बाद लगेंगे कॉलन, और लास्ट सेल की वैल्यू क्या है, E6, उसके बाद ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ओके, और उसके बाद कर देंगे एंटर। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी, 280। तो मैक्सिमम फंक्शन ने क्या किया, सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, जो इस कॉलम में थी, इसी कॉलम के हम फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस कॉलम में जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी वो फाइंड की मैक्स फंक्शन ने।